हरे कृष्ण। कार्तिक महीने के आखिरी 5 दिनों को पारंपरिक रूप से भीष्म पंचक या विष्णु पंचक के नाम से जाना जाता है। पुराणों के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को कार्तिक माह में नियम व संयम से रहते हुए किसी व्रत या संकल्प का पालन करना चाहिए। इस कार्तिक मास में भगवान की कृपा झरझर कर बहती है। ये भगवान श्री कृष्ण का सर्वाधिक प्रिय मास है, इसलिए भगवान इस माह में अपार कृपा बरसाते हैं। इस माह में छोटे छोटे नियम का पालन करने पर भी बहुत बड़े बड़े भौतिक व आध्यात्मिक लाभ प्राप्त हो सकते हैं। परंतु यदि किसी भी कारण से व्यक्ति कार्तिक मास के प्रारंभिक समय में कोई विशेष व्रत अथवा सेवा नहीं कर पाता है तो परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, अभी भी आपके पास समय है। बताया गया है कि कार्तिक माह के आखिरी 5 दिन अर्थात भीष्म पंचक का पालन करने पर व्यक्ति को पूरे कार्तिक माह के पालन का फल मिलता है। कार्तिक माह के आखिरी 5 दिन को भीष्म पंचक कहा जाता है। ये 5 दिवस महान कल्याणकारी हैं। भीष्म पितामह ने इन 5 दिनों के लिए उपवास किया था तथा इस तरह से अपने प्रयाण की तैयारी की। वो भीष्म पितामह जो पांडवों व कौरवों के पितामह थे व उन भरत महाराज के पोते जिनके नाम पर हमारे देश का नाम भारतवर्ष हुआ। श्रीमद् भागवतम के अनुसार भीष्म 12 महाजनों में से एक हैं। वह उनका जीवन तपस्या की सीमा है, ऐसी तपस्या कि वे जीवन पर्यंत महलों के ऐश्वर्य में राजपाट के मध्य रहे लेकिन एक सन्यासी की तरह। भीष्म पंचक व्रत का यह समय हमें भीष्म पितामह के जीवन से प्रेरणा लेकर तपस्या व त्याग जैसे गुणों को अपने भीतर आत्मसात करने की प्रेरणा देता है तथा व्रत का अर्थ अपने आप को आध्यात्मिक रूप से ऊपर उठाना है, न कि स्वयं को परेशान करना या कष्ट पहुंचाना। हरि भक्ति विलास में ऐसा कहा गया है कि यदि कोई सक्षम है तो उसे भगवान की प्रसन्नता हेतु भीष्म पंचक पर कुछ विशेष खाद्य पदार्थों से उपवास करना चाहिए और इस प्रकार से व्रत रखने का उद्देश्य हमारी चेतना को शरीर के स्तर से ऊपर उठाकर आध्यात्म के स्तर पर लाना है। और भीष्म पितामह ने अपने संपूर्ण जीवन में इसे मूर्त रूप करके दिखाया, जीवन जीते हुए भी और जीवन के अंत में भी। अपने जीवन में वे सदैव ऐश्वर्य भोग विलास आनंद के मध्य रहे, परंतु कभी भी उन्होंने उसमें भाग नहीं लिया, वे हमेशा उससे अनासक्त रहे। यह उनकी चेतना के दिव्य आध्यात्मिक स्तर को दर्शाता है और चेतना का ये उच्च स्तर भगवान के प्रति उनकी असाधारण उत्कृष्ट व प्रगाढ़ भक्ति के कारण था। और बाद में जब वे शरीर छोड़ते हैं तो हम सभी जानते हैं कि इतिहास में आज तक ऐसी मृत्यु किसी की नहीं हुई। यद्यपि उन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान था तो भी वे बाणों की शैया पर थे और उनके असहनीय दर्द की हम कल्पना भी नहीं कर सकते। उनके शरीर में बाण इस तरह से बिंधे हुए थे कि दो बाण के बीच में दो उंगलियों की जगह भी नहीं थी, परंतु ऐसी अवस्था में भी उन्होंने भगवान का ध्यान करते हुए असीम आनंद की प्राप्ति की तथा अन्यों को भी यह श्रेष्ठ ज्ञान प्रदान किया। युधिष्ठिर महाराज को उन्होंने राजधर्म का ज्ञान दिया और उनके ये विस्तारित निर्देश महाभारत के 12वें व 13वें पर्व क्रमशः शांति पर्व व अनुशासन पर्व में आते हैं, जो महाभारत के सबसे लंबे संवादों में से हैं और आने वाली पीढ़ियों के लिए अमूल्य विरासत हैं। पद्म पुराण में वर्णन है कि इस प्रकार भीष्म पंचक में की गई तपस्या से भगवान प्रसन्न होते हैं व व्यक्ति की आध्यात्मिक प्रगति भी होती है। यदि कोई इन 5 दिन में विशेष व्रत या तपस्या करता है तो उसे पूरे कार्तिक मास में की गई तपस्या का लाभ प्राप्त होता है और ये 5 दिवस प्रारंभ होते हैं उत्थान एकादशी से। भगवान व उनके भक्तों को स्मरण करने के लिए इससे श्रेष्ठ और कौन सा दिन होगा। इन 5 दिनों की तपस्या से जीवन का अमूल्य धन प्राप्त होता है जो है श्री कृष्ण प्रेम। और ये 5 दिन पूर्ण होते हैं पूर्णिमा पर, जिस दिन तुलसी देवी व शालिग्राम जी का विवाह होता है।
तो जितना सरल है याद रखना, उतना ही महत्वपूर्ण भी है इन दिनों मंदिर जाना और भगवान को घी का दिया अर्पित करना, जिससे हम सबको महान पुण्य की प्राप्ति होगी। अतः इन 5 दिनों में भगवान श्री कृष्ण को घी का दिया अर्पित करें, दामोदराष्टक पढ़ें, भगवद गीता या श्रीमद् भागवतम के कम से कम 1 श्लोक का अध्ययन करें, वैष्णवों की सेवा करें। जैसा कि श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा है कि हमें 3 चीज़ें प्रतिदिन करनी चाहिए। पहला है साधु संग, अर्थात भक्तों का वैष्णवों का संग। प्रश्न उठेगा क्यों? तो उत्तर है क्योंकि उनके संग से, उनके साथ रहने से हम भी अपने आध्यात्मिक जीवन में प्रगति कर सकते हैं। वे हमारा उचित रूप से मार्गदर्शन कर सकते हैं कि भक्ति में क्या हमारे लिए अनुकूल है व क्या प्रतिकूल। दूसरा उन्होंने कहा नाम रुचि, अर्थात भगवान के पवित्र नामों का जप। क्यों? क्योंकि अपने नाम स्वरूप में भगवान हम में से प्रत्येक के लिए उपलब्ध हैं, तथा भगवान के नाम व स्वयं उनमें कोई भेद नहीं है। और कहा भी गया है कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरही पारा। और इसी पंक्ति में तीसरा है जीव दया, प्रत्येक दिन कुछ अच्छा कीजिए, उनकी मदद कीजिए जो आपसे कम सौभाग्यशाली हैं। और श्री चैतन्य महाप्रभु ने ही कहा है कि किसी भी जीव का, किसी भी व्यक्ति का, किसी भी आत्मा का सर्वोच्च भला, सर्वोच्च मदद उसे कृष्ण भावनामृत प्रदान करने में है। अतः भीष्म पंचक की इस महत्वपूर्ण अवधि में स्वयं भी अधिक से अधिक भगवत भावना में रहिए तथा दूसरों को भी इसका लाभ पहुंचाइए। धन्यवाद। हरे कृष्ण।